सो हेलो एवरीवन, ये है रोज लैब्स के क्वार्टर वन के रिज़ल्ट। तो देखते हैं इस शेयर के रिज़ल्ट्स यहाँ पर कैसे रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं इस शेयर के टोटल इनकम से। तो यहाँ पे ईयरली और क्वार्टरली बेसिस के दोनों इनकम यहाँ पे दिखाई नहीं गए हैं। तो हम इसके यहाँ पे सीधा एक्सपेंसेस को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो शेयर के एक्सपेंसेस रहे हैं ईयरली बेसिस में, वो यहाँ पे 4.59 लाख रहे हैं, जो डिक्रीज़ होके 4.30 लाख यहाँ पर हो गए हैं। यानी कि शेयर की इनकम तो यहाँ दिखाई नहीं गई है, लेकिन एक्सपेंसेस डिक्रीज़ हुए हैं। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है ईयरली बेसिस में 4.59 लाख था, ये ब्रैकेट में है तो लॉस में था। अब यहाँ पे 4.30 लाख हो गया है, जो भी अभी भी लॉस में है। अर्निंग पर शेयर आगे देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 0.5 पैसे इस शेयर का जो है ईयरली अर्निंग था, जो कि यहाँ पे लॉस में है। अब 4 पैसे हो गया है, तो अभी भी यहाँ पर लॉस में है। वैसे तो इस शेयर का यहाँ पे जो रिज़ल्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं आए हैं, और जो शेयर है वो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के प्रस्पेक्टिव से होल्ड करने के लिए भी सही नहीं है। लॉन्ग टर्म के प्रस्पेक्टिव से इस शेयर को आप 1 से 2 मंथ्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर इस शेयर में यहाँ पे आपको जो है अच्छे रिटर्न्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो आपको सेल करके भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।